नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजी 11 चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन रेडमी नोट 10S का। तो शुरू करेंगे वीडियो को बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। बॉक्स की बात कर ली जाए तो स्टैंडर्ड सा बॉक्स मिलता है हमें, उसमें मिल जाती है रेडमी नोट 10S की ब्रांडिंग और साथ ही लिखा मिल जाता है मेक इन इंडिया, इंडियन नंबर वन ब्रांड। तो इसके कंटेंट की बात करें जो इसके अंदर होगा वो है मोबाइल फ़ोन अडॉप्टर, USB-C टाइप केबल, क्विक स्टार्ट गाइड, इजेक्टर टूल, वारंटी कार्ड और प्रोटेक्टिव केस। और नीचे की तरफ मिल जाती है ये कुछ इसके वेरियंट के बारे में। मेरे पास जो वेरियंट है वो 6GB रैम, 64GB मेमोरी। तो शुरू करते हैं, लेट्स अनबॉक्स इट। जल्दी से खोल लेते हैं बॉक्स को। सो लेट्स अनबॉक्स। एंड द डिवाइस इज हियर। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है हमारा मोबाइल फोन। लेट पुट असाइड एंड इसके अंदर मिल जाता है हमें सिम इजेक्टर टूल, डॉक्यूमेंटेशन और केस। काफ़ी स्टैंडर्ड सी क्वालिटी का केस है, रबराइज्ड। दैट्स सी द फिट। और उसके बाद हमें मिल जाता है एक 33 वॉट का चार्जर और एक USB-C टाइप केबल। तो लेट्स कीप इट असाइड एंड मूव टू आवर फोन। तो बात कर लेते हैं इसके लुक्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देखने को मिल रहा है। और जो खास बात मुझे इसमें लगी ये है, काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है और काफ़ी ज़्यादा स्लिम भी। अगर आप इससे पहले कोई हैवी फ़ोन यूज़ करें तो आपको डिफरेंस ऑफकोर्स महसूस होगा। दोस्तों, इसमें आपको ग्लास बैक देखने को तो नहीं मिलती, मगर ये एक पॉलीकार्बोनेट बैक है। बट द क्वालिटी इज प्रीमियम, इट्स नॉट रफ एंड चीप प्लास्टिक। ऑल्सो द 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप ऑल्सो लुक इम्प्रेसिव। तो फटाफट फ़ोन को बूट कर लेते हैं और मैं सेटअप करता हूं, और सेटअप के बाद आपको मिलता हूं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड द सेटअप, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। तो इसमें हमें मिल जाती है 6.43 इंचेस की सुपर अमोलेड डिस्प्ले विद 60Hz रिफ्रेश रेट। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द फिंगरप्रिंट सेंसर इज साइड माउंट। एक बार इसके ओवरव्यू की बात कर लें, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन। मैं बार बार ये बात रिपीट करना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा लाइट और थिन फ़ोन है ये। इससे पहले मैं रेडमी नोट 8 प्रो यूज़ कर रहा था, उसके मुकाबले आई लाइक इट अ मोर। तो इसके बॉटम साइड में हमें मिल जाता है 3.5mm जैक, USB-C टाइप जैक एंड स्पीकर। इसमें दो गाइड्स में हमें मिलते हैं स्टीरियो स्पीकर। टॉप में भी स्पीकर है, बॉटम में स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर है। साउंड क्वालिटी इज रियली गुड। MI के फ़ोन्स में हमें पहले से दिया जाता है IR ब्लास्टर। राइट साइड में वॉल्यूम बटन्स, पावर बटन विद फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड द फिंगरप्रिंट सेंसर इज ऑल्सो फास्ट। लेफ्ट साइड की बात करें तो हमें मिल जाता है सिम कार्ड स्लॉट। इसमें हमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी मिलेगा। फ़ोन के बारे में थोड़ी और बातें कर ली जाए तो इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है MediaTek का G95 प्रोसेसर, विच इज़ ऑल्सो अ गेमिंग प्रोसेसर। सो परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं आने वाली, जो कि अब आपको मिलता है Mali 676 MC GPU के साथ। और साथ ही साथ इसमें एक बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर के साथ आपको मिलती है पावरफुल बैटरी, 5000 mAh की बैटरी विद सपोर्ट 33 वॉट फास्ट चार्ज। अब बात अगर इसके कैमरे की जाए तो कैमरे भी यहाँ Xiaomi ने भर भर कर दिए हैं। इसमें हमें मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। और फ्रंट में हमें इन डिस्प्ले 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। ये हैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स, लेट्स हैव अ लुक। अगर इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जाए तो इसमें एंड्रॉयड 11 और MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेंगे। जी हाँ, अभी काफ़ी ज़्यादा बग MIUI 12.5 में देखने को मिल रहे हैं, मगर जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो सवाल रहता है कि ये जो मैं फ़ोन ले रहा हूँ वो वाटरप्रूफ तो है ना? तो इसमें आपको मिल जाती है IPS3 की रेटिंग। तो हाँ, ये थोड़ा बहुत पानी झेल जाएगा। हाँ, अगर डूब भी जाए तो शायद टिक जाए। बात अगर मीडिया कंजम्पशन की हो तो इसकी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी इज गुड। Let's see. की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं।
आई नो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक छूट गए हैं लाइक गेमिंग परफॉर्मेंस एटेक्स्ट्रा, तो ऐसी वीडियो इसी से रिलेटेड जल्द ही लाएंगे। तो नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें। धन्यवाद।